भाजपा ने अरवाहा बीरवाहा गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। इस संबंध में जिलाध्यक्ष ने पार्टी को संबोधित किया, उनकी शिकायतों को बड़े चाव से सुना। इसके अलावा हकीम रूरुल्ला गाजी ने पार्टी की उपलब्धियों, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और विकास पर भाषण दिया। उन्होंने कहा, हम लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और हम जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। बैठक के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 7 सालों में बीजेपी देश के हर घर तक पहुँच चुकी है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर भविष्य की नीति बना रही है। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसमें हमारे स्पेसिफिक आरू हल्कसमज आ ये सीओराज, जहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे जो हल्का इंचार्ज हमारी जमात के हैं उनसे हमारी ख़ास मीटिंग थी, जिसमें हमने आने वाले दिनों के लिए हमारे बूथों को लेके उनकी मुश्किलात और नई ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिस्कस किया। साथ साथ में आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में भी ख़ास बात चल रही थी। धोखेबाज जमातें जो हैं वो खुद इस वक्त अंधेरे में अपना सर पीट रहे हैं, इसकी वजाहत आप भी जानते हैं और ये सीधे साधे लोग भी जानते हैं। जो काम पुराने एमएलएओं से नहीं हुआ वो अब की बार सीधे साधे सरपंचों ने किया, इससे ज़्यादा बड़ा थपेड़ा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। ग्राउंड पे बूथ स्ट्रांग चाहती है, बूथ तब स्ट्रांग होता है जब ग्राउंड पे बंदा कनेक्ट होता है, और बंदा तब कनेक्ट होता है जब हमारे पीएम साहब की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और हमारी पार्टी की बेहतर स्कीमों से वो मुतासिर होता है, तब जाके तो लोग जुड़ते हैं। आज हमारे इलाके में देखिए, ये सीधा साधा बंदा जो अपना बिजनेस करता है, कारपेंट्री का अपना शोरूम खोला, दिल खोल के गले मिल के मेरा वेलकम किया, इसको क्या दे सकती है पार्टी। लेकिन ये समझता है कि ये पार्टी धोखा नहीं दे रही है। पब्लिक वेलफेयर सिस्टम जो एक इंडिया में आया है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बीजेपी राइट नाउ। ये एक सही बात है, सच है। इसको कश्मीरी में कहते हैं अतकूत था वो इस नेट पेट। आप ऊपर थे, आपने सुना कि इनको मैंने जवाब क्या दिया। मैंने यही कहा कि जो बूथ में हमारे रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैन हैं उनके साथ मिल के आप इन इश्यूज़ का मुझे एक हफ्ते तक आपको एक्सप्लेनेशन भी और रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते थे गलत जगहों पे गलत चीज़ें। थोड़ा एक बंदा ख़ुद भी चले और जो जिन बंदों पे उन्होंने, जिनको मिल के उन्होंने अपने इलाकों में रिप्रेजेंटेटिव बनाया है या कि पार्टी के साथ जोड़ा है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बूथ एरिया में, अपने हल्के में लोगों के मुश्किलात का इजाला करें, और उन जो भी इशूज़ हैं जो उनसे हल नहीं होते हैं वो हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक पहुँचें। एंड वी आर लुकिंग अप टू, हमने बहुत सारे इलाकों में इश्यूज ठीक कराए हैं, तो बहुत बेहतरी आई है। 70 साल पुराना एक मैस रहा है, टू क्लियर ए मैस, और उस बीच में भी आप एक डेवलपमेंटल स्पेक्ट्रम देखते हैं, बहुत बेहतरी है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।